avyaktah ayam achintyah ayam avikaryah ayam ucchate tasmatevam viditva enam na anushochitam arhasi. Avyaktah ayam achintyah ayam avikaryah ayam ucchate tasmatevam viditva enam na anushochitam arhasi. अर्थात ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कही जाती है, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान बताते हैं आत्मा की एक और विशेषता कि आत्मा अव्यक्त है, यानी आप भौतिक नेत्रों से भौतिक आँखों से आत्मा को नहीं देख सकते। भौतिक आंखों को तो छोड़ दीजिए, कई चीजें आप नेत्रों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप, और बहुत एडवांस्ड किस्म के माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें आप ऐसी चीजों को देख लेते हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा माइक्रोस्कोप कभी नहीं बना सकता जिसमें आप आत्मा को देख सके, क्योंकि ये अव्यक्त है। भगवान ने कह दिया अव्यक्त है, आप देख नहीं सकते हैं। और दूसरी बात अचिंत्य है, यानी कि आत्मा चिंतन का विषय भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोई किसी व्यक्ति को देखता है तो व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देखता है, कोई भी आत्मा को देख ही नहीं सकता। तो जिसे वो देख नहीं सकता उसके बारे में वो चिंतन कर भी कैसे सकता है? तो जिसे आप देख नहीं सकते इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो चीज मौजूद नहीं। आपको शास्त्रों का प्रमाण मानना होगा। आत्मा को समझने के लिए आपको जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी ही होगी। भगवान की शरणागत हुए बगैर आत्मा को समझा भी नहीं जा सकता, आत्म साक्षात्कार शुरू भी नहीं हो सकता। आगे आप ब्रह्म साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार कैसे करेंगे? तो जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि तुम्हारे पिता ये हैं, बच्चा अगर स्वयं ढूंढना चाहे कि मेरे पिता यही हैं या कोई और, मैं ढूंढूं सारे जगत के पुरुषों को, जो है मैं देखूं कि क्या पता वो तो मेरे पिता नहीं है, तो वो इस जीवन में कभी भी अपने पिता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन पिता को ढूंढना बहुत आसान भी है, आपको सिर्फ अपनी माँ के शब्दों पर विश्वास करना होगा। माँ ने कहा ये पिता है तो यही पिता है। इसी प्रकार से शास्त्र आपको बताते हैं, भगवान आपको बताते हैं कि आप आत्मा हैं और आत्मा अव्यय है, आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनीय भी है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितने भी परिवर्तन आप देखते हैं, जब आत्मा एक शरीर धारण कर लेती है तो वो परिवर्तन शरीर में उत्पन्न होते हैं। शरीर ही शैशव अवस्था में होता है, शरीर ही बच्चा बालपन शरीर में होता है, और शरीर ही तरुण अवस्था को प्राप्त होता है, वो युवा बनता है, जवान होता है, और वो बूढ़ा हो जाता है, शरीर ही की मृत्यु होती है। तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा अविकारी है, आत्मा अविकारी है, ये बहुत बड़ी बात है। अविकारी का अर्थ है जिसके गुण न बदले। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। अब ये बात अलग है कि आप सांसारिक तौर तरीकों से माया के वशीभूत होकर माया की सेवा करने लगे, संसार की सेवा करने लगे, भगवान की सेवा छोड़ दें, उस तरफ सोचे ही नहीं। लेकिन आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव है सेवा करना, वो बना रहता है, चाहे आप संसार की सेवा करें या भगवान की सेवा करें। भगवान की जिन पर कृपा होती है, गुरु की जिन पर कृपा होती है, शुद्ध भक्ति की जिन पर कृपा होती है, वो भगवान की सेवा से जुड़ जाते हैं, और ऐसे में आत्मा भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेती है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो व्यय होगा ही, शरीर तो समाप्त होना ही है, चाहे तुम उसकी समाप्ति का कारण बनो या फिर शरीर यूं ही समाप्त हो जाए।